गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आर से एजुकेशन हब। टुडे वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ लीवर। इससे पहले जो अपन ने लीवर की स्ट्रक्चर देख ली थी और बहुत सारी चीज़ें देखी थी लीवर के स्ट्रक्चर के अंदर, तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्म। बेसिकली जो है तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। मैंने बताया भी होगा आपको इन द लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एम्ब्रियो के अंदर तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। जो लीवर है वो बेसिकली किससे ओरिजिनेट होता है, किससे अराइज होता है? एंडोडर्म से अराइज होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो लीवर जो है इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बाइल। लीवर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो मेन रोल है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बाइल। बाइल जो है एक येलो ग्रीनिश सब्सटेंस होता है। येलो ग्रीनिश सब्सटेंस विच इज क्वाइट अल्कलाइन, विच इज क्वाइट अल्कलाइन। अल्कलाइन होता है ये भी थोड़ा सा बेसिक होता है नेचर के अंदर। और इसका जो है मेन फंक्शन जो होता है दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेस्ट करने का काम करता है ये। और दिस इज फॉर्म्ड इन हिपेटिक सेल्स। बेसिकली जो है ये हिपेटिक सेल्स के अंदर फॉर्म होता है और ये हिपेटिक सेल्स से लीवर मिलकर कंसिस्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बाइल किससे फॉर्म हो रहा है? हिपेटिक सेल से। फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, अल्कलाइन होता है, येलो ग्रीनिश जो है सब्सटेंस होता है। इसके अंदर जो मेन पिगमेंट होते हैं दीज आर बिलिरुबिन, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। इसके अंदर जो मेन पिगमेंट होते हैं दीज आर बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होते हैं। एंड ये जो है इसको येलोइश कलर प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इस तरीके से जो बाइल है दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज इट इज डाइजेस्टिंग फैट। अगर बाइल फॉर्म नहीं होगा लीवर के अंदर तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके तो ये जो बाइल जो है लीवर के अंदर कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली कुछ ऐसी स्ट्रक्चर भी होगी जो बाइल को स्टोर कर रही है। तो बाइल बेसिकली किसके अंदर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। बेसिकली बाइल स्टोर किसके अंदर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और फॉर्म किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर, हेपेटिक सेल्स के अंदर। सो विच द स्ट्रक्चर विच आर स्टोरिंग द बाइल, द स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ऑलराइट, सो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर बाइल जो है स्टोर हो रहा है, किस ऑर्गन के अंदर ये स्टोर हो रहा है, उस ऑर्गन का नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। तो इस तरीके से जो है अपन ने देख लिया है कि जो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है द फॉर्मेशन ऑफ बाइल विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द लीवर। इसके बाद में अपन सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज जो लीवर है ये ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और स्टोर करने के बाद में ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन के अंदर। सपोज दैट दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके अंदर स्टोर हो रही है? ग्लाइकोजन के अंदर। दिस इज द मोनोमर। और बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बना रहे हैं? पॉलीमर। बहुत सारी मोनोमर यूनिट मिलके, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके किसके अंदर कंडेंस्ड हो जाते हैं? ग्लाइकोजन के अंदर कंडेंस्ड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। बट जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपन को ग्लूकोज चाहिए। तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ये जो ग्लाइकोजन है, दिस ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज। दिस ग्लाइकोजन इज अगेन कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोनियो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो लीवर है इसके अंदर
फैटी एसिड और अमीनो जो एसिड जो है दीज आर ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू ग्लूकोज. इट मीन्स फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स दीज विल कन्वर्ट इंटू ग्लूकोज and this process is known as glyconeogenesis. This process is known as glyconeogenesis. The process in which fatty acids and amino acids are converting into glucose. The process is known as glyconeogenesis and this process is also taking place in liver. So ये भी जो है liver का एक बहुत ही important function है. इसके बाद में हम बात करते हैं fourth function की, that is erythropoiesis. Initial stage के अंदर, embryonic stage के अंदर जो है liver blood को भी form करता है. Formation of RBC. एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लीवर के अंदर ब्लड फॉर्म होता है या फिर आरबीसी फॉर्म होती है. तो आरबीसी जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म हो रही है दैट प्रोसेस इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस. तो ये जो है ब्लड को फॉर्म करने का काम भी कर रहा है बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज राइट. इसके बाद में हम बात करते हैं यूरिया. समवेयर द यूरिया इज ऑल्सो फॉर्मिंग इन लीवर. हाउ? Because old dirt is coming into the liver, or we can say this is the graveyard. Liver जो है graveyard की तरह भी काम करता है कि जिन भी cells का life span complete हो जाता है, RBC का complete हो जाता है life span, वो RBC किसके अंदर जाती हैं? Liver के अंदर. और liver के अंदर आने के बाद में RBCs digest हो जाती हैं. It means उनसे जो भी protein release होती है या जो pigments release होते हैं, वो pigments release होने के बाद में जो है यूरिया फॉर्म हो रहा है. तो यूरिया एक तरीके से किसके अंदर फॉर्म हो रहा है? लीवर के अंदर. यूरिया इज ऑल्सो फॉर्मिंग इन द लीवर. इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि दिस इज ऑल्सो सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन. लीवर इज ऑल्सो सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज हेपेरिन. एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, उस प्रोटीन का नाम है हेपेरिन. और हेपेरिन का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को क्लोट नहीं होने दे, रक्त का थक्का नहीं जमने दे. ब्लड फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्लोट भी हो सकता है ब्लड, राइट? तो ये जो है ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड को अंदर क्लोटिंग नहीं होने देती है. दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर. ओके, ये क्लोटिंग से प्रिवेंट करती है. इसके अलावा लीवर और भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, जो कि क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल होती हैं. कहीं पे भी चोट लग गई है, चोट लगने के बाद में ये प्रोटीन्स रिलीज होती हैं और रिलीज होने के बाद में वहां पे ब्लड बहना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बंद. That we'll talk in the next chapter, blood circulatory system. ये जो है heparin, prothrombin and fibrinogen, इनके बारे में अपन blood circulatory system के अंदर बात करने वाले हैं. But for information आपको पता होना चाहिए कि ये proteins किसके अंदर synthesize होती हैं? Liver के अंदर. इसके अलावा liver जो है vitamins को भी synthesize करने का काम करता है. तो ये liver के कुछ important functions हैं जो आपको पता होने चाहिए. These are quite basic. Number one is formation of bile. Second is it converts glucose into glycogen and glycogen into glucose. It converts fatty acid and amino acid into glucose. Okay, blood is also formed in liver. Urea is formed, heparin protein is formed and prothrombin and fibrinogen protein is also formed in liver. तो ये कुछ important functions हैं जो कि liver के अंदर होते हैं, जो कि पता होना बहुत ही ज़्यादा क्या है? जरूरी. इसके बाद में हम बात करेंगे pancreas की. Okay, I hope you have understood all the functions of liver. Thank you.